Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Chaliye bachcho, to let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, demonstrate that the gravitational force acting on a particle capital A inside a uniform spherical layer of matter is equal to zero. तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को क्या शो करना है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिफॉर्म स्फेरिकल लेयर है ना, जिसका मास कैपिटल एम मान लेते हैं और उसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, तो उसके अंदर कहीं पर भी कोई पॉइंट हो, है ना, कहीं पर भी कोई पॉइंट हो, तो उस पर नेट फोर्स जो है ना, अगर उस जगह पर कोई भी हम लोग एक पार्टिकल रख दें, है ना, लेट अस से उसका मास स्मॉल एम है, तो उस पर नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, जीरो लगना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। देखिए ये बात तो बड़े आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है कि अगर ये जो पार्टिकल है ये कहाँ पर होता, बिल्कुल सेंटर पर होता, तो ये काफी इजीली हम लोग डाइजेस्ट कर पा रहे थे कि हर एक मास जो है ना वो इक्वल फोर्स से खींचेगा, इस वजह से इस पर नेट फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसी सिमेट्री हमें नजर नहीं आती है जब हम लोग इस पार्टिकल को कहाँ रखते हैं, कहीं भी रैंडम पॉइंट पर रखते हैं, है ना। तो चलिए इसी चीज को प्रूव करते हैं कि अगर ये स्मॉल एम जो है ना, ये जो पार्टिकल है ये कहीं पर भी इनसाइड द शेल कहीं पर भी रैंडमली रखा हो तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। तो चलिए बच्चों, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो थोड़ा सा मैं आपका वो रिविजन करा देता हूं ना सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट का। तो बेसिकली क्या होता है सॉलिड एंगल में कि मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास कोई भी एरिया है ना, एरिया जो है वो कितना है, डेल्टा एस एरिया है, ठीक है। अब इस डेल्टा एस एरिया है ना को अगर हम लोग देखें तो ओ पॉइंट पर ये एरिया कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा एस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर आर क्या है, ओ और इस एरिया के बीच की दूरी है, और ये जो अल्फा है ये कौन सा एंगल है, तो आप देखिए कि अगर इस एरिया के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, और उस लाइन और इस ओपी, है ना, इस ओपी लाइन के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग अल्फा कह रहे हैं। ओपी क्या है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जो पॉइंट है ना ओ, उसको पी से अगर कनेक्ट कर देंगे, पी क्या है, ये इस छोटे से एरिया का सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को क्या कह रहे हैं, अल्फा कह रहे हैं, ऑलराइट। तो उसी तरीके से देखिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग मान रहे हैं कि वो जो स्मॉल एम मास है ना वो इस ए पॉइंट पर है, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर क्या करा, अब मैंने यहां पर एक छोटा सा, है ना, छोटा सा सॉलिड एंगल लिया, ये एंगल जो है वो बहुत छोटा है, इसको मैं डी ओमेगा लिख देता हूं। तो एक छोटा सा सॉलिड एंगल बना करके हम लोगों ने देखा कि ये दो जगह पर कट कर रहा है कोण को, एक तो डीएस वन एरिया हो गया और एक डीएस टू एरिया हो गया। अब मैंने मास पर यूनिट एरिया जो इस शेल का है वो कितना माना है, सिग्मा माना है। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि अगर सेंटर से इस डीएस वन एरिया को कनेक्ट कर दें तो हमारे को कौन सी लाइन मिल जाएगी, हमारे को वो लाइन मिल जाएगी जो इस डीएस वन एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से अगर हम लोग सेंटर ऑफ द स्फेयर से इस डीएस टू एरिया को अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये जो लाइन मिल रही है ये कौन सी लाइन है, ये एक्चुअली इस डीएस टू एरिया के परपेंडिकुलर लाइन है, क्लियर है ये बात। अब उसके अलावा देखिए ये जो है ना, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर ये डीएस वन एरिया कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सॉलिड एंगल, तो वो डी ओमेगा बोल सकते हैं। और उसी तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट है उस पे डीएस टू एरिया कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो अगेन डी ओमेगा ही सबटेंड करेगा, ऑलराइट। तो अब देखिए बच्चों, चूंकि हम लोगों ने ये जो ओमेगा है ये बहुत छोटा लिया ना, इसीलिए यहां पर डी ओमेगा लिखा है। तो सॉलिड एंगल के बहुत छोटे होने की वजह से ये जो एरियाज हम लोगों ने लिए हैं डीएस वन और डीएस टू, ये कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये पॉइंट मासेस जैसे हो गए, है ना। तो अगर हम लोग ये देखें कि जो ए पॉइंट है वहां पर फील्ड एक्चुअली, है ना, वहां पर जो फील्ड है वो डीएस वन, है ना, इस एरिया पे जो प्रेजेंट मास है उसकी वजह से कितनी आएगी, तो हम लोग क्या बोल देंगे, डी ई वन विल बी इक्वल टू जी डी एम वन अपॉन आर वन स्क्वायर, है ना। यहां पर आर वन क्या है, तो ए से इस पैच की दूरी है। अब यहां पर हम लोग डी एम वन को क्या लिख सकते हैं, तो मास पर यूनिट एरिया हमें पता ही है सिग्मा है, उसको सिंपली हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग डी एस वन से। तो यहां पर क्या जाएगा, जी सिग्मा डी एस वन अपॉन आर वन स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग डी ई टू को क्या बोल सकते हैं, डी ई टू विल बी इक्वल टू जी सिग्मा डी एस टू अपॉन आर टू स्क्वायर,
क्लियर ही बात। यहां पर आर टू क्या है, ए और इस पैच के बीच की दूरी है ना, जिसका एरिया डी एस टू है। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि दोनों जो फील्ड्स है ना यहां पर, एक तो डी एस वन की वजह से और एक डी एस टू की वजह से, दोनों की डायरेक्शन ऑब्वियस है कि कैसी होगी, एंटी पैरेलल होगी। अब अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ए पॉइंट पर नेट फील्ड क्या है, जीरो है ना। तो देखिए बच्चों, ये बात कहना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों एरिया जो है ए पॉइंट पर बराबर सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे हैं, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा हम लोग कितना बोल देंगे, वो बोल देंगे हम लोग अगर डी एस वन की बात करें तो वो हम लोग कह देंगे डी एस वन कॉस ऑफ अल्फा अपॉन आर वन स्क्वायर है ना, और डी ओमेगा हम लोग डी एस टू के टर्म्स में क्या बोल देंगे, डी ओमेगा विल बी इक्वल टू डी एस टू कॉस ऑफ अल्फा अपॉन आर टू स्क्वायर। हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये एंगल जो है ना, वो दोनों के ही केस में क्या रहेगा, अल्फा ही रहेगा। ऐसा हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो आइए देखिए, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं, अगर मैं इन पॉइंट्स का कुछ नाम दे दूं ना, जैसे इसका नाम मैं दे देता हूं ओ, इसका दे देता हूं पी, और इसका दे देता हूं क्यू। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल ओपी क्यू बन रहा है वो कैसा है, आइसोसेलेस है ना। तो आइसोसेलेस होने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो अगर इन दोनों एंगल को मैं अल्फा अल्फा कह दे रहा हूं तो ये भी अल्फा ही होंगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस वजह से देखिए हम लोग यहां पर क्या बोल पा रहे हैं, हम लोग डी ओमेगा को क्या बोल पा रहे हैं, डी एस वन कॉस अल्फा अपॉन आर वन स्क्वायर, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू डी एस टू कॉस अल्फा अपॉन आर टू स्क्वायर। तो यहां से देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, अगर हम लोग कॉस अल्फा को कैंसिल आउट कर दें है ना, और उसके अलावा क्या कर दें, उसके अलावा हम लोग सिंपली जी इंटू सिग्मा से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें ना, मतलब इधर भी जी सिग्मा लगा दें और इधर भी जी सिग्मा लगा दें। तो देखिए ये क्या बन जा रहा है, ये जो लेफ्ट वाला टर्म है वो बेसिकली डी ई वन बन जा रहा है, और जो राइट वाला टर्म है वो क्या बन जा रहा है, वो डी ई टू बन जा रहा है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो रहे हैं डी एस वन और डी एस टू की वजह से एट पॉइंट ए, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, और उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसे दो है ना, ऐसे दो ऑपोजिट एलिमेंट्स क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं, और ऐसे ही ना जाने इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना, इनफाइनाइट पेयर हमारे को मिलेंगे है ना इस ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, जो एक दूसरे के है ना फील्ड को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ए पॉइंट पर नेट फील्ड क्या होगी, फॉर बट ऑब्वियस जीरो होगी। और इस वजह से हम लोग कह पा रहे हैं कि अगर ए पॉइंट पर फील्ड नेट जीरो है ना, तो वहां पर अगर कोई मास को रखेंगे तो वो नेट फोर्स जीरो फील करेगा। क्लियर ये बात। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। आई होप बच्चों कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।